बात करने जा रहे हैं त्रिभुज के कोण कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कोई त्रिभुज ऐसा दे दिया जाए ए बी सी, यहाँ को दिया जाए एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स। यहाँ आपको प्राप्त करना है कि यहाँ कितने कोण का होगा, यहाँ कितने कोण का होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए त्रिभुज के तीन भुजाओं का योग कितना होता है 180। लिख लेते हैं त्रिभुज के तीन भुजाओं का योग कितना होता है 180। इन कोणों के नाम लिख लेते हैं। ऐसा बोलना आपको कि ये बीच में आए, जैसे ए का निकालना है तो बीच में आए कोण बी ए सी, बी ए सी ये पहला हो गया। अब इस तरह बोलना कि बीच में क्या है सी आए, ए सी बी कोण ए सी बी। फिर अब ये बीच में आए क्योंकि अभी दो तो हो गए, अब बाकी क्या रह गया बी, तो ए बी सी कोण ए बी सी। तो आपको कौन कौन से कोण मिल गए, बी सी ए बराबर तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180। 180 हमने लिख लिया। अब यहाँ पास इसका मान कहा जाए एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है। टोटल इन सबको जोड़ देते हैं, इन दो तीनों जुड़ गए, कितने हो गए आपके 3x। क्या हो गए 3x और हो गया आपका 180। अब जानते हो कि गुणा का क्या हो जाता है, बराबर कुछ पर जाने पर भाग हो जाता है। क्या हो जाएगा 180 बटे 3 बराबर x, तो भाग देगा तीछा 18 और 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60। तो कितने कितने के एंगल बनेंगे आपके 60-60 के बनेंगे। तीनों का योग कितना हो रहा है जोड़ने पर 180। तो इस तरह एंगल निकाला जाता है कोण। इस तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।